देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एम एस वर्ड खोल लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एम एस वर्ड, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ये स्टार्ट के साथ आर प्रेस कीजिएगा, आपका रन आ जाएगा। और इसमें लिख देना है विन वर्ड, क्या चीज़, आपका विन वर्ड, WINORD, और यहाँ पे इंटर दबा दीजिएगा। जैसे ही भी इंटर दबाइएगा आपके सामने एम एस वर्ड खुल के आ जाएगा। और खुलने के बाद सबसे पहले ये कर लेंगे कि आपको इस तरह का सर्टिफिकेट बनाना है तो पेज का सेटअप करेंगे, और ये जो पेज आपका खड़ा है या पॉट है, तो इसको खड़ा या पॉट को यहाँ कंप्यूटर की भाषा में आपको बोला जाता है। ओरिएंटेशन में आइएगा, क्या चीज़ पे, पेज लेआउट में, और यहाँ लिखा हुआ है ओरिएंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो खड़ा पेज होता है उसको पोर्ट्रेट कहा जाता है, और जो पॉट होता है उसके लैंडस्केप कहा जाता है। तो इस पेज को क्या कीजिएगा, लैंडस्केप कर लीजिएगा, ठीक। लैंडस्केप करने के बाद मार्जिंग में आ जाइएगा, और मार्जिंग में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करके, और मार्जिंग आपको ले लेना है कितना, 0.3 ले लेना है, ठीक। टैब दबाइएगा 0.3, फिर टैब दबाइएगा 0.3, फिर आपको टैब दबा के 0.3 यहाँ क्लिक कर देना है, फिर यहाँ टैब दबा 0.3 करके इंटर दबा दीजिएगा। यहाँ देखिए गलती हो गया इसलिए नहीं ले रहे हैं, और ये कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके करने के बाद आपको क्या कर लेना है कि आ जाना है यहाँ पे पेज बॉर्डर में, ठीक है। देखिए किनारे किनारे एक बॉर्डर लिया गया है, पेज बॉर्डर में आपको एक बॉर्डर आके ले लेना है, पेज बॉर्डर ले लीजिए। नहीं तो आप इधर नहीं पड़े हुए हैं तो सबसे पहले आपको इसी में रखते हैं, शेप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक शेप ले लेते हैं। शेप लेने के बाद यहाँ से आप यहाँ ऐसे कीजिएगा, देखिए आपको नहीं दिख रहा है, आपको छोटा पेज कर लेना है यहाँ से, ठीक। आपको अब दिखता होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये कर, हाँ इसका सेव किया जा रहा है, हाँ सेव हो जा रहा, पर ये ऊपर नहीं आ रहा है। हाई कंट्रोल एच दबाइए ना, उसी पे सेव हो जाएगा आपका, बाद में हम दिखाते हैं। अब कीजिए अपना काम, करते रहिए, कंट्रोल एच दबाते रहिएगा, ठीक है। जैसे ही ले लेंगे आप, चाहिएगा तो यहाँ से क्या आउटलाइन ब्लैक कर लीजिए, ये जो ब्लैक है इसी को आउटलाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका पेज कौन सा कलर है, येलो कलर का, तो आप यहाँ से ले लीजिए, फिल कर लीजिए कौन सा, येलो कलर, ठीक। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो कलर से आप बनाना चाहते हैं बनाइए, ठीक। उसके बाद देखिए आपको ये जो है इसको पेज बॉर्डर बोला जाता है, तो पेज लेआउट में आपको आ जाना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, पेज बॉर्डर, और यहाँ पे आर्ट में नॉन है, यहाँ से आपको जो बॉर्डर लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ क्लिक कीजिएगा, और देखिए आपका जैसे क्लिक कीजिएगा आपको बॉर्डर इस टाइप का आएगा, ठीक। तो ये जो आपको और छोटा में लेना होगा, कौन सा, जो ये आपके सामने दिख रहा है, ये जो छोटा छोटा फ्लावर्स है, ये और आपको छोटा लेना है। देखिए ऊपर ये मार्जिन आपको ढंग से देखिएगा, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है ये आपका फ्लावर में नहीं साटा हुआ है, ठीक। और नीचे क्या हुआ, साटा हुआ है थोड़ा, इसको क्या कर लेंगे, आपको ये अच्छा से कर लेना है, ठीक। और इसको थोड़ा ऐसे कर लेना है अप डाउन बॉटम से, और देखिए थोड़ा इधर भी आपको सही कर लेना है, कोई दिक्कत यहाँ का। ये जो फ्लावर को और छोटा करना है आपको, तो फिर क्या करेंगे, आपको पेज बॉर्डर में, देखिए यहाँ हाईलाइटेड पेज बॉर्डर नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे, आपका ये जो कर्सर है नीचे वाला व्हाइट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे व्हाइट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया। आइए और यहाँ 31 जो लिखा हुआ है ना, इसको कर देंगे कम, जितना कीजिएगा उतना छोटा छोटा आएगा, छोटा छोटा पीस हो जाएगा ये फ्लावर्स का, देखिए छोटा हो गया कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। जब यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ तो आप सबसे पहले क्या लेना है, आपको ये ले लेना है, ठीक है। जो एक और क्या शेप ले लेना है, क्या ले लेना है, एक और शेप ले लेना है, कौन वाला शेप, तो ये वाला शेप, ये वाला शेप ले लेना है, और यहाँ ऐसे ड्रैग कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक ड्रैग कर देना है, यहाँ जहाँ तक हो सके अच्छा आपको लगे वहाँ तक इसको क्या कर देना है, ये आपको, हाँ यहाँ तक आपको सेटिंग कर लेना है ये अच्छा से। अब आपके माइंड में आता हुआ ये जो आपका चारों का चारों कोना है, ये तो आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ इस पर क्लिक करके, और इस पर टिक स्क्वेयरिंग पर आकर क्या करना है, फ्रंट कर लीजिएगा, ये तो इन फ्रंट है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे कहीं आपको येलो कलर के दिखता होगा एक, क्या चीज़ आपको, तो यहाँ बड़ा करके देखिएगा तो आपको एक येलो कलर के दिखा, यहाँ दिख रहा है आपको,
देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको येलो कलर का, ठीक है। तो इसको यहाँ पे माउस से पकड़ लेना है ये लेफ्ट बटन क्लिक करके, और जितना इसको लेके जाना है आपको कोना में उतना लेके आइएगा, दिख रहा है ना। यहाँ ऐसे छोड़िएगा और थोड़ा ये बड़ा करके थोड़ा ऊपर करना चाहते हैं आप राइट के बटन से, और यहाँ देखिए छोटा में करके देखिए पूरे के पूरे कोना आपको क्या होगा, अच्छा हो गया होगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ तो सबसे पहले इस शेप का कलर कुछ कर लेते हैं, ठीक है। कलर करना चाहते हैं तो कैसे किया जाएगा ये चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। आ जाइएगा यहाँ से क्या फील कलर जो जैसे करना चाहते हैं कीजिए, और नहीं तो और भी अच्छा कलर लेना चाहते हैं आ जाइएगा क्या चीज़ यहाँ पे मोर कलर में, ठीक है। जैसे आपको जो यहाँ से भी कलर ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से। आ नहीं तो सबसे अच्छा रहता है ये चीज़, नहीं तो आ जाइए पैटर्न में, क्या चीज़ पैटर्न में। यहाँ से भी आप बहुत सारा कलर ले सकते हैं, जैसे कुछ कलर का डिजाइनिंग आपको दिखा रहे हैं, पैटर्न में आइएगा, टेक्सचुअल में आइएगा तो ये आप कलर ले सकते हैं। तो ये कलर का आपका सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक। और भी देखिए ग्रेडियंट में आइएगा, अब देखिए मेन आपका यही अच्छा दिखा रहा है। ग्रेडियंट में जैसे आइएगा आप यहाँ कर लीजिएगा वन कलर, तो यहाँ से एक कलर ले सकते हैं, ठीक। टू कलर हम करके दिखा रहे हैं आपको, टू कलर जब कीजिएगा तब कलर वन को भी सिलेक्ट कर लीजिए, कुछ कलर जो कलर आप देना चाहते हैं आप कलर टू को भी कुछ कलर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपको अच्छा लगे, चार को दिखा रहे हैं यहाँ सैंपल दिखा रहे हैं, ये कलर कीजिएगा तो ऐसे आपका आएगा सर्टिफिकेट, ये कलर कीजिएगा तो आपको इस तरह का सर्टिफिकेट दिखाएगा। जैसे ओके कीजिएगा आपके सामने इस तरह का कलर फील हो जाएगा, ठीक है। जब ये कलर आपको अच्छा लगे तो ये आप यही कलर छोड़ दीजिएगा। अब देखिए इसमें आपको लिखना है क्या चीज़, लाल बहादुर शास्त्री स्किल ट्रेनिंग सेंटर, तो कैसे लिखिएगा इस पर शेप पे माउस क्या क्लिक करना है, तो ये चीज़ देखिएगा राइट क्लिक कीजिएगा तो एड टेक्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे एड टेक्स आ जाए तो यहाँ एड टेक्स करके और लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ क्या कोचिंग का नाम अपना लाल बहादुर शास्त्री स्किल ट्रेनिंग, ठीक है सेंटर, कोई दिक्कत यहाँ तक। और इसको क्या सिलेक्ट कर लेना है, आ जाना है भूमि जो पहले खेल खेले हुए थे लोग वहाँ से आप जो यहाँ सेंटर कर लेना है, ठीक। ये आपको क्या करना है, हाँ जो आप यहाँ से लेना चाहते हैं ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। जो आपको अच्छा लगे यहाँ से ले लीजिए फॉन्ट, कोई दिक्कत। और इसको सेटिंग करना चाहते हैं और तो ये छोटा कर लीजिए, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ये इंटर दबाइए और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पीनी बाग जो भी, पीनी बाग बेतिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको सिर्फ आप चाहिएगा सिलेक्ट करके इसका भी लिखावट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो लिखावट से देखिए एक ही में है लेकिन चाहिएगा तो अलग अलग लिखावट आप चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन यही रहने दीजिए अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको ये चीज़ लिखना है, सर्टिफिकेट लिखना है। तो ये जो डिजाइनिंग है ये डिजाइनिंग आपको आएगा क्या चीज़ में, इंसर्ट में आइए, शेप में आइए। शेप में आने के बाद आपको दिखता होगा ये चीज़, थोड़ा ये अच्छा लगेगा यहाँ से ले लीजिए ये, ठीक। जो आपको अच्छा लगे ये ले लीजिए और यहाँ से क्या ये ट्रैक कर लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक। जैसे ये ड्रैग कीजिएगा इसको भी कलर कर सकते हैं, फॉर्मेट में आ जाइए, शेप में शेप का फील कर सकते हैं, जो कलर से आप फील करना चाहते हैं, आउटलाइन जो कलर से आप देना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप कोचिंग का यहाँ ये जो लोगो है वो लगाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप ये खोलिएगा तो आप क्या कीजिएगा, पहले लगाने के लिए सबसे पहले ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक कर देना है कर्सर, ठीक। कर्सर क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब ये भी तो हो सकता है यहाँ पे भी देखिए आ रहा है फ़ोटो लेने के लिए, और यहाँ दोनों से कर्सर क्लिक करना है या नहीं करना है दोनों क्या, जैसे मैं ये होता है ना प्रॉफिट या लॉस आपको बता रहे हैं, ठीक। यहाँ अगर क्लिक रहेगा तब भी आपको फ़ोटो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ़ोटो आ जाएगा। देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है, यहाँ से भी हम फ़ोटो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एल वी एस टी यहाँ से आइए और फ़ोटो ले लीजिए, देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है। आप यहाँ से फ़ोटो ले गए क्या, फ़ोटो टेक्स्ट वायरफिंग नहीं खुलेगा, क्लिक है फ़ोटो पे लेकिन टेक्स्ट वायरफिंग नहीं खुल रहा है, देखिएगा क्या नहीं हो रहा है, टेक्स्ट वायरफिंग।
तो ये आप देखिए ये फोटो पर क्लिक है लेकिन ये टेक्स्ट वेरिफिंग यहाँ हाईलाइटेड नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करना है आपको सिलेक्ट करके यहाँ डिलीट कर देना है। ठीक, आपको आ जाना है कर्सर को ये जो व्हाइट दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक, तब आपको क्या करना है फ़ोटो को इंसॉल्ट करना है। जैसे आप फोटो यहाँ से इंसॉल्ट कीजिएगा तो देखिए नीचे आ रहा है कि नहीं, ये जितने भी शेप आपको दिख रहा है वो नीचे दिख रहा है, इस सब शेप के नीचे आपका फोटो है। आप आइए यहाँ टेक्स्ट वायर पे कीजिए इन फ्रंट कर लीजिएगा तब ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ का। अब यहाँ से ऊपर आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जहाँ टेक्स्ट वायर पे ऐसा चीज़ है कि आप यहाँ कहीं पे भी, और इसका क्या कीजिए शेप भी अच्छा ये वाला गोला वाला कर लीजिए, अरे समझिए थोड़ा गोला वाला कर लीजिए अच्छा दिखेगा। करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते हैं मत कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो दोनों में फ़र्क दिखा, टेक्स्ट वगैरह पर नहीं आ रहा था, जब तक नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। अब यहाँ ये फ़ोटो के लिए ले लीजिए, लेना है तो वहाँ से ये क्या कर सकते हैं ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत ले लिया हम। ठीक, अब इसको क्या और छोटा कीजिए, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर भी देखते हैं। अब इसमें क्या सर्टिफिकेट आपको लिखना है, तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए एड टेक्स्ट आ जाएगा, इसमें लिख लीजिए क्या थे सर्टिफिकेट, हो गया सिलेक्ट कीजिए और इसको क्या कीजिए कंट्रोल ई से सेंटर कर लीजिए, मतलब कौन सा सेंटर, ये सेंटर। अब इसे क्या कीजिए बड़ा कर लीजिए और थोड़ा ये बोल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत, यहाँ से खोलिए और बोल्ड कर लीजिए और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, आगे की ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे ये चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ दिक्कत होगा लिखने में, कहीं पे भी आप लिखना चाहते हैं ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या कीजिए यहाँ शेप ले लीजिए, ठीक शेप लीजिए, लिखिए कोई दिक्कत नहीं, इसको शेप को ये शेप को थोड़ा ऊपर कीजिए और यहाँ से कर लीजिए, और इस शेप में राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, जैसे आपको लिखना लिख के दे रहा है, दिस इज टू सर्टिफिकेट दैट जो देना चाहते ये दीजिए और सन और ये डॉटर और फिर ये कर लीजिए और डॉट डॉट ऑफ रेजिडेंट ऑफ ये कर लीजिए, फिर डॉट डॉट आपको देना है, उसके बाद क्या देना है आपको है क्या देना है तो आपको देना है फूली। ठीक है, ये देना है फुल कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट क्या कौन सा जो कोर्स देना चाहते हैं नेम दीजिए, ऑफ जो आपको देना चाहते हैं ये दीजिए कितने आवर्स एट एट दिस इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट आपका ये हो गया, इंस्टीट्यूट के बाद आपको क्या है फ्रॉम, अकॉर्डिंग देख लेते हैं बाद में सुधार कर लेते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू बर्थ सर्टिफिकेट। और डेट और डेट ऑफ बर्थ इज ठीक है, और आपको क्या करना है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, अब आपको क्या करना है यहाँ से सेटिंग करना है, जैसे आप कीजिए यहाँ से इनक्रीज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, और यहाँ से क्या कर लीजिए सेंटर कर लीजिए, इनक्रीज कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, या जस्टिफाई यहाँ से कर लीजिए अच्छा रहेगा।
और यहाँ से आपको बोल्ड वगैरह करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, ठीक है। और देखिए आपको क्या करना है, और इसको जहाँ तक आपकी ज़रूरत है वहाँ पे यहाँ ले आएगा छोड़ दीजिए। अब आ जाना है यहाँ, क्लिक रहेगा तो आपको फॉर्मेट खुलेगा, ठीक। जैसे यहाँ देख लेते हैं कुछ आपका स्टूडियो वगैरह है तो देख लेते हैं, डॉटर है यहाँ से डॉटर कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग यहाँ से हो गया। टोटल का टोटल स्टूडियो आपका ठीक ठाक हो गया, यहाँ देखिए डबल स्पेस छोड़े इसलिए ये हो गया आपका, ठीक। यहाँ करना है क्या, दिस इज सॉरी, ये हो गया। अब आ जाना है आपको ये जो फील है नो फील कर देना है। क्या करना है, नो फील, ये जो अब देखिए आपका ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, अगर रखना चाहते हैं तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रखना चाहते हैं तो आउटलाइन क्या कीजिए, नो आउटलाइन कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये चीज़ देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब नीचे में थोड़ा सा बचा हुआ है ये, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। फिर से क्या ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ तक शेप ले लेते हैं, और इसी को क्या कहते हैं कॉपी, और यहाँ से कर लेते हैं पेस्ट, तीन हमको चाहिए, ठीक है, और यहाँ से कर लेते हैं। आप टोटल में क्या कर लिख लेंगे हम, ये डिटेक्ट कीजिए क्या, और यहाँ लिखते हैं क्या फैकल्टी डायरेक्टर, ठीक, कंट्रोल ई यहाँ से कर लेते हैं, थोड़ा ई बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, और इसको बैक कर लेते हैं, और यहाँ से कर देते हैं ये टेस्ट, और इसी को पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करके सिर्फ इसको डेट ऑफ ईच लिख देंगे, ठीक। क्यों लिखे हैं मालूम है तुमको, कॉपी का पेस्ट क्यों किए हैं, नहीं पूछा है तुम, इसलिए कि देखिए इसी सेम ऐसे ही लिखने आने लगा, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये कर लेंगे ऐसे करेंगे, ये टेक्स्ट को आप पेस्ट कर देंगे, और यहाँ डायरेक्टर सेंटर का डायरेक्टर हो गया इसी टेक्स्ट में आपका आ गया इसलिए। और ये देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो इसको क्या हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नो फिल कर सकते हैं, ठीक है, नो आउटलाइन कर सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी अपना देख लीजिएगा, ये आपके सामने रेडी हो गया है, कोई दिक्कत। आप सेव कीजिएगा क्या चीज़, यहाँ प्रेस कीजिएगा छोटा करके, थोड़ा देख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए कितना बेटर दिख रहा है। और यहाँ पे आके सेव कर लेना है, जहाँ डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे क्या लिख देना है, 30 सर्टिफिकेट्स, और यहाँ इंटर दबाइए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।